Hello everyone and welcome back to our channel. I am अंकुर कंदोई and I am रिचा कंदोई. तो ये व्लॉग बेसिकली ट्रैवल व्लॉग नहीं होने वाला है. इस व्लॉग में वी आर गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट आइसलैंड. वी आर करेंटली इन आइसलैंड डूइंग द रिंग रोड ट्रिप. हम लोगों के इस ट्रिप में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोटिस की है जो कि आइसलैंड के बारे में थोड़ा पिक्यूलियर है. तो अगर आप लोग में से कोई भी फर्स्ट टाइम आइसलैंड विज़िट करने आता है तो हम नहीं चाहते कि आप लोग को सरप्राइजेज़ मिले, इसलिए आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं उन सब बातों के बारे में जो आइसलैंड के बारे में हम लोगों ने नोटिस किया है. यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स व्हिच वी लाइक्ड, डिसलाइक्ड और लव्ड अबाउट आइसलैंड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो रिचा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट डिड यू फाइंड द बेस्ट थिंग अबाउट आइसलैंड? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे को ये कंट्री के बारे में लगी है वो ये है कि ये कंट्री बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत है. सीनिक ब्यूटी तो इतनी ज़्यादा फैली हुई है इधर कि मतलब अगर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, एक मोड़ से दूसरे मोड़ पे जाते हैं, अलग ही व्यू नज़र आता है. मतलब आई कैन नॉट इवन बिलीव व्हाट आई सी इन फ्रंट ऑफ मी. ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो रिचा, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया है आइसलैंड के बारे में. इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल. और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें रॉ ब्यूटी है. उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि ये इतनी साफ़ सुथरी जगह है, कहीं पे भी आपको यहाँ वहाँ गार्बेज नहीं दिखने वाला है. सब जगह डस्टबिन्स, ये लोग जैसे ट्रैश कैंस बोलते हैं उसको, तो ट्रैश कैंस रखे हुए हैं. मेरी गुजारिश भी है उन लोगों से जो आइसलैंड जा रहे हैं कि प्लीज़ वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, प्लीज़. इनफैक्ट रिचा, मैं तो ये बोलूँगा अपने सभी दोस्तों से कि डू नॉट लिटर एनी टूरिस्ट प्लेस एनी वेयर इन द वर्ल्ड. और एक और खासियत मैंने यहाँ पे नोटिस की थी कि यहाँ के जो लोकल पीपल है, अगर रास्ते में कभी कहीं कचरा गिरा हुआ है तो वो उसको उठा के ट्रैश कैन में फेंक देते हैं. तो ये तो हो गई खूबसूरती की बात. अंकुर, आपका यहाँ के वेदर के बारे में क्या ख्याल है? ओह माय गॉड, मैं अपने सभी दोस्तों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप आइसलैंड आ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर 4 सीजन्स एट द सेम टाइम. और यहाँ का विंड, यहाँ के लोग तो उसको नेस्टी विंड बुलाते हैं. इफ़ यू कम ओवर हियर, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस द वर्स्ट विंड्स ऑफ योर लाइफ. यहाँ हमें बोला जाता है कि जब हम गाड़ी के दरवाजे खोलते हैं तो उसे दोनों हाथ से पकड़ के खोलिए, क्योंकि गाड़ी के अंदर पता नहीं चलता कि बाहर कितना ज़ोर से विंड चल रहा है. और अगर बाहर विंड बहुत तेज़ है तो आप जब दरवाज़ा खोलते हो, दैट विंड कैन नॉक द डोर ऑफ. ये बात हमारे कार रेंटल वाले रिप्रेजेंटेटिव ने हमें पॉइंट टू बी नोटेड करके कहा था. अच्छा, जब कार रेंटल की बात आ ही गई है तो मैं अपने फ्रेंड्स को ये बताना चाहूँगा कि द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर आइसलैंड इज़ बाय रेंटिंग अ कार. देयर आर मेनी मेनी कंपनीज विच ऑफर कार्स ऑन हायर. और बस आपको ये फाइंड आउट करना है विच वन सूट्स योर रिक्वायरमेंट, वेदर यू नीड अ स्मॉल कार, अ 4x4, अ बिग कार और व्हाट. रिचा, मेरे को तो थोड़ा ठंड लग रहा है, आई थिंक आई शुड वेयर माय जैकेट. हाँ, अंकुर बता रहे थे कार रेंटल के बारे में. देखिए, आप बस से भी घूम सकते हो आइसलैंड में. जो नोटेड टूरिस्ट प्लेसेस है उसके अलावा भी जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो रास्ते में एन नंबर ऑफ ऐसे खूबसूरत जगह आती है जहाँ पे आपको मन करेगा कि मैं उतरूँ, उधर जाऊँ. तो वो खाली आपके पास अगर कार रहता है तभी पॉसिबल है. हाँ, और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा रिचा, कि यहाँ पे हाइकिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. यहाँ माना जाता है कि द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर आइसलैंड इज़ बाय हाइकिंग. तो अगर आप आइसलैंड को वाकई में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो हाइकिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहिए. मैं वैसे बता देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थी नहीं, मैं हूँ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अब मैं हो गई हूँ, काफ़ी एडवेंचरस हो गई हूँ. क्या एक्सपीरियंस है यारो, अगर आप सिर्फ इधर आओगे तभी आपको वो एक्सपीरियंस का पता चलेगा. एक और बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आइसलैंड इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. क्या कहना है आपका रिचा इसके बारे में? आई कैन नॉट एम्फेसिस मोर ऑन दैट पॉइंट. अगर आप स्टेटिस्टिक्स के मानो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 70% ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग. रेक्याविक अलोन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कैपिटल सिटी. एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा. जब हम यहाँ एयरपोर्ट में लैंड किए और एक बेसिक सा सिम कार्ड जो हमने ख़रीदा उसका हमें कॉस्ट पड़ा 2200 आइसलैंडिक क्रोना. आप भी मेरे तरह शॉक्ड हो? यस, दैट्स हाउ एक्सपेंसिव आइसलैंड इज. जी हाँ, एक्सपेंसिव तो है. जब हम लोग एक्सपेंसिव की बात कर ही रहे हैं तो एक दो तरीके हैं जिससे आप एक्सपेंसेस को अपने कट भी कर सकते हो. जैसे कि यहाँ का पानी, यहाँ पे जो नॉर्मल रेगुलर टैप वाटर है वही बहुत 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 ज़्यादा प्योर वाटर है और इट इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द ग्लेशियर, सो वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी है विदाउट एनी एडेड इम्प्योरिटीज़। तो कभी भी यू डोंट नीड टू बाई पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ओवर हियर। हाँ रिचा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आइसलैंड वाटर इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि ये डायरेक्ट ग्लेशियर्स से आता है। तो अगर आप आइसलैंड आ रहे हैं तो आप रीयूजेबल वाटर बॉटल्स लेके आइएगा। As you can see, Ankur is going to drink the Silfra water. This is said to be one of the cleanest water of the entire world. ये क्या है? अंकुर, आपका यहाँ के वाटरफॉल्स के बारे में क्या ख्याल है? अरे बाप रे बाप। तो इस कंट्री को मैं आइसलैंड बोलूँ या कंट्री ऑफ वाटरफॉल्स बोलूँ? आइसलैंड एंड वाटरफॉल्स आर सिनोनिम्स मेरे हिसाब से। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वाटरफॉल एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे ऐसे भी वाटरफॉल्स है जो 2 घंटे तक हाइक करके आपको जाना है, और यहाँ पे ऐसे भी वाटरफॉल्स है जो डायरेक्ट पार्किंग के सामने आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ, जो हाइक करके जाते हो वही वाटरफॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वाटरफॉल्स के अलावा और क्या देखा हमने यहाँ पे? यहाँ का जो फेमस है जियोथर्मल एक्टिविटीज, ओ माय गॉड, मेस्मराइजिंग। यहाँ के ज़मीन के अंदर से हॉट वाटर स्प्रिंग्स निकलते हैं जो कि करीबन 30 फीट तक जाते हैं। कहीं देखा है आपने ऐसा? अपने इंडिया में तो नहीं है ऑफ कोर्स। एक तरफ जहाँ ऊपर से बर्फ़ गिर रही है, ठंडी हवा चल रही है, टेम्परेचर्स माइनस में भी चले जाते हैं कितनी बार, वहीं दूसरी तरफ ज़मीन के नीचे से खौलता हुआ पानी निकल रहा है, गरम गरम भाप निकल रही है, सल्फ्यूरिक वाटर निकल रहा है जो कि आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फायर एंड आइस सही नाम दिया गया है ये कंट्री को। आइसलैंड इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फायर एंड आइस। और एक टिप बताऊँ मैं, अगर आपको जियोथर्मल एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखना है तो एक्सप्लोर द नॉर्दर्न आइसलैंड, इट्स वेरी ब्यूटिफुल टू। एक बात मैं बताना भूल गया था जब मैं कार रेंटल की बात बता रहा था कि अगर आप थोड़े ज़्यादा एडवेंचरस हो तो आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे कैंपर वैन्स मिलते हैं। नॉर्मल कार्स की जगह आप कैंपर वैन्स हायर कर लीजिए। कैंपर वैन्स ये होता है कि आप कैंपर वैन्स के अंदर ही सोते हैं और वही ड्राइव करके आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाते हैं। क्या कहना है इसके बारे में रिचा? हाँ, आपको ये बात तो है। अब तो मेरी इच्छा हो गई है कि हम नेक्स्ट टाइम जब आइसलैंड आएंगे तो हम लोग कैंपिंग करेंगे डेफिनेटली। या गिव मी 5। यस, तो कैंपिंग के बारे में ये है कि आपको होटल्स नहीं बुक करने पड़ते, आप उसी कैंपर वैन के अंदर सोते हो, उसी के अंदर आपके पास गैस स्टोव भी होता है, आप थोड़ा बहुत खाना भी पका सकते हो और उसी को लेके घूमिए पूरी कंट्री। क्या नायाब तरीका है ना। अब कुछ बात की जाए आइसलैंडिक पीपल के बारे में, तो क्या कहना है रिचा आपका? आइसलैंडिक पीपल, दे आर सो लविंग, सो इनोसेंट। और यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के हिसाब से आइसलैंड इज़ द थर्ड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और क्राइम, आप भूल गए ये बताना, क्राइम यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो है। वायलेंट क्राइम तो है ही नहीं, एकदम ज़ीरो। और छोटे मोटे जो क्राइम्स हैं वो भी बहुत ही कम है। मतलब इतना यहाँ तक कि यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास एम्यूनेशंस नहीं होते, वो बिना गन घूमते हैं। मुझे लगता है क्राइम कम होने का कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इट्स वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड और अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्प्रेड अक्रॉस द कैपिटल सिटी, दैट्स द रिकाविक। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है, yes. है ना, इट्स गेटिंग विंडियर। तो रिचा क्या टाइम हो रहा है? टाइम इट्स टाइम टू ईट। क्या बताओ यारो, इन लोगों को खाने का इतना शौक है, स्पेशली डेजर्ट्स। शायद इसीलिए इतने कम स्ट्रेस्ड है, बिकॉज डेजर्ट उल्टा स्ट्रेस्ड, यू नो दैट। इतना टेस्टी डेजर्ट्स है यहाँ का। ये लोग केक्स, ब्रेड्स, सिनेमन रोल्स, तो वाओ, मतलब मेरे मुँह में पानी आ रहा है यहाँ के सिनेमन रोल्स के बारे में सोच के भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप समर्स में आ रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड टू गेट 24 आवर्स डे लाइट। अभी जैसे कि इट्स 10 PM राइट नाउ एंड द सन शाइनिंग सो ब्राइट। और अगर आप विंटर्स में आते हो तो बी प्रिपेयर्ड, देयर विल बी वेरी लेस डे लाइट टाइमिंग्स। आइसलैंड को फोटोग्राफर्स पैराडाइज भी बोला जाता है। तो अगर आप रिंग रोड ट्रिप ले रहे हो तो आपको इतने सारे फोटोग्राफिक प्लेस मिलेंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ फ़ोटो लूँ और कहाँ ना लूँ। अगर आप एक जगह रुक गए फोटो लेने के लिए तो वहाँ आप 2 घंटे तक टाइम स्पेंड कर सकते हो, ओनली फॉर योर इंस्टा फोटोज। ये बात से मुझे एक बात याद आई है दोस्तों, कैमरा को प्लीज़ रेडी रखिएगा। न जाने हम लोगों ने कितनी बार खूबसूरत आइसलैंडिक हॉर्सेस को भागते हुए मिस कर दिया कैप्चर करने से, क्योंकि हमारा कैमरा ऑफ था। राइट। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में जाके आप हमारे फ़ोटोज़ देख सकते हैं। यू विल बी अमेज्ड क्या फोटोग्राफिक प्लेस है ये। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम लोगों ने आइसलैंड किस तरीके से एक्सप्लोर किया है तो हमारे सारे ही आइसलैंड ट्रैवल्स के व्लॉग को देखिए और पसंद आए तो लाइक करिए। इसी के साथ दोस्तों हम अलविदा लेने चाहेंगे और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो यहाँ नीचे कहीं लाल बटन होगा उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको फ्री में बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस देखने को मिलेंगे और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइएगा ज़रूर। ब्लेस ब्लेस।